के अलावा हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे का वी विश ईच अदर गुड, यही करते हैं हम सब। तो ग्रीन दिवाली का यही मतलब समझ में आया अब आपको। और जितने भी हमारे पुराणों में, जितने भी हमारे पुराने टाइम के अंदर, अगर कोई भी हम कहते हैं रीति रिवाज, रीति रिवाजों की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमें अगर हम उनको साइंटिफिकली एनालाइज करें, हम साइंस स्टूडेंट ज्यादातर यहाँ खड़े हैं, अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि हर चीज का, हर रिचुअल का, हर सेरेमनी का कोई साइंटिफिक कारण होता है, राइट। और जैसे अभी चंचल मान कह रहे थे कि उस टाइम पे घी के दिए जलाए गए थे और इसका भी कुछ कारण है जो हम वो नाम आपको बताएंगे। हाँ जी, पीछे जो बच्चे बोलना चाहते हैं मैं बिल्कुल उनको आगे बुलाऊंगी और बताना चाहते हैं कि आप कैसे दिवाली मनाएं। किसी ने भी दिवाली पटाखे नहीं जलाने, किसी ने और अच्छी तरह मनानी है दिवाली, किसी ने लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी एक लविंग त्योहार है, ब्रदरहुड वाला है, तो किसी ने लड़ाई नहीं करनी, अपना प्यार मोहब्बत से फेस्टिवल मनाना है, किसी ने पटाखे वगैरह नहीं जलाने, और जलाने भी है तो थोड़े से यूज करें। तो पटाखे बिल्कुल नहीं जलाने चाहिए, मैंने 4 साल से नहीं चलाए, इस साल भी नहीं। इस साल भी नहीं जलाऊंगा, मेरी छोटी बहन है ना खलते हुए चलाती है, लेकिन वो भी अब कम कर रही है। और मतलब यूजुअली हम रंगोली बनाते हैं और जाके मिठाई बांटते हैं, उसके अलावा पटाखे हमारे घर में कोई नहीं जलाता और दिए जलाते हैं बस। भगवान की पूजा करो, सबसे और मिठाई लाता हूँ सबसे अच्छी, क्या करूँ मैं, बस सबको समझदार है।